हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ऑडियोटोन के तरफ से AD15x1250ES स्पीकर का। ये स्पीकर 1200 वॉट RMS पावर का है। टॉप में डालने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, प्रीमियम स्पीकर है और आपके बजट में भी आ जाएगा। तो देखेंगे कि ये स्पीकर क्या फीचर्स के साथ आता है, वॉइस कॉइल कितने इंच का है, पेपर चेचिस, इसका डिजाइन, सभी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इस स्पीकर को किस एम से चला सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रोडीजे इक्विपमेंट्स। चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऑडियोटोन AD15x1250ES स्पीकर दिखता कैसा है, उसके बाद इसका डिटेलिंग आपको विद प्रूफ दिखा देंगे, फिर कैसे आप इसको यूज कीजिएगा सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लुक आपके सामने है स्पीकर का, देख सकते हैं काफ़ी शानदार और काफ़ी सिंपल लुकिंग के साथ आता है। इसका चेचिस का डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे प्यारा और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ ये है, ठीक है। और ये जल्दी हीट नहीं करेगा क्योंकि इसका एल्युमिनियम डाई कास्ट चेचिस में ही है, तो खैर हीटिंग का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे देख सकते हैं होल वगैरह जो कि एयर वेंटिलेशन, इसका काफ़ी बेहतर से बेहतर यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं मैग्नेट के ऊपर का प्लेट का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैग्नेट इसका फेराइट मैग्नेट में कुछ सीरियल नंबर देखने को भी मिल जाता है, जो कि आपको बता रहा है कि आपका स्पीकर ओरिजिनल है। और प्लस यहाँ पे चेचिस में भी देख सकते हैं ऑडियोटोन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये कोई स्टिकर या फिर कोई प्लास्टिक यहाँ पे नहीं है, ये आपका एल्युमिनियम में ही ढाला हुआ आता है, मतलब समझ गए ना आप। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए ओरिजिनल, आप इसको पहचान सकते हैं। बाकी इसका हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे टर्मिनल, जो कि आपका कनेक्शन को करने के लिए काफ़ी इजी और काफ़ी मजबूत भी आपका यहाँ पे होने वाला है। मतलब किसको जैसे प्रेस कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे वायर को अंदर करके आप इसका कनेक्शन इजी कर सकते हैं, सोल्डरिंग वगैरह का झंझट नहीं। और ये जो है ना, ये कॉपर का है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता, हीटिंग वगैरह यहाँ पे ये जल्दी गलेगा नहीं। और लीड वायर का क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लचीला है, ये जल्दी से टूटता नहीं है। और यहाँ पे सील्ड लीड वायर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और पेपर भी देख सकते हैं बैक से आपको कुछ देखने को मिल रहा है और फ्रंट से कुछ इस तरह से पेपर देखने को मिलने वाला है। डस्ट कैप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगाया गया है और पेपर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिंग दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं होल्स वगैरह पेपर में, देख सकते हैं यहाँ पे तीन कर्व है, 1, 2, 3, यहाँ पे रोलिंग यहाँ पे दिया गया इसका सस्पेंशन को बनाने के लिए। और स्पाइडर भी यहाँ पे सिलिकॉन स्पाइडर का यूज़ किया गया जो कि इसका सस्पेंशन को बनाने में काफ़ी मदद करता है और लंबे समय तक ये आपका साथ निभाने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है और कुछ मैग्नेट के ऊपर वाला प्लेट भी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ब्लू एंड थोड़ा सिल्वर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि स्पीकर का लुकिंग को काफ़ी प्रीमियम बना देता है। पेपर वगैरह देख सकते हैं आप और यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर का मॉडल नंबर AD15x1250ES इंजर्ड इन इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड का टेक्नोलॉजी है। और पावर RMS 1200 वॉट RMS देख सकते हैं, मैक्स 2400 वाट तक की ये हैंडलिंग कर सकता है। वॉइस कॉइल 4.5 इंची, इम्पीडेंस 8 ओम्स। तो आइए इसका डिटेलिंग आपको दिखाते हैं इनके वेबसाइट पे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसका डिटेल लेते हैं इनके वेबसाइट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज यहाँ पे लोड है, वही मॉडल नंबर दिखा रहे थे अभी आपको यही स्पीकर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2400 वाट कंटिन्यूस मैक्स पावर ये ले सकता है, आपका स्पीकर हैंडलिंग कर सकता है। और यहाँ पे 4.5 इंच का इन आउट वाइंडिंग किया हुआ स्पीकर का वॉइस कॉइल है जो कि 1200 वाट आपको दे रहा है ना, तो इसी के वजह से दे रहा है। इन आउट वाइंडिंग है प्लस 4.5 इंची का वॉइस कॉइल है। और टेंशन मत लीजिए, वॉइस कॉइल को ठंडा करने के लिए एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी काफ़ी इसका बेहतरीन है, देख सकते हैं होल्स वगैरह का साइज। और यहाँ पे धूल कण भी जो प्रवेश करेगा उसके लिए भी यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है, तो टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। बात करें इस स्पीकर का सेंसिटिविटी, देख सकते हैं यहाँ पे 97 dB। और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी है इस स्पीकर का 35 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज। और नॉमिनल डायमीटर ये 15 इंच का स्पीकर है, मतलब mm में 393 mm। और नॉमिनल इम्पीडेंस इस स्पीकर का 8 ओम्स, दो स्पीकर कनेक्ट करेंगे एक टॉप में तो वो 4 ओम इम्पीडेंस उसका हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो हम उसका मल्टीमीटर से भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे, जो आपके पास मल्टीमीटर है ना वो घुमाने वाला, तो उसी से ये होता है। अब अगला चीज़ है इसका पावर, पावर है RMS में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। RMS
आपका देख सकते हैं 1200 वाट ये RMS पावर आपको दे रहा है, AES पावर नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान लेके चलना है। मैग्नेट का साइज भी देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। और बास्केट है इस स्पीकर का एल्युमिनियम, और इस स्पीकर का वेट 16 किलो के आसपास में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप में अगर आप इसको डालोगे तो थोड़ा अच्छा खासा हैवी आदमी चाहिए टॉप को उठाने बैठाने के लिए, ताकि आपका सामान का नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो जो इमेज हम आपको दिखा रहे थे तो ये वही इमेज है। बाकी सीरियल नंबर बॉक्स पे आपका होना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखिएगा। और स्पीकर का भी जो चेचिस है यहाँ पे भी सीरियल नंबर होगा। तो कोशिश करें कि आप ऑडियो टोन प्रोफेशनल के ऑथराइज डीलर से ही बाय करें, तो आपको डुप्लीकेट वगैरह से आप बच सकते हैं। बाकी सीरियल नंबर मिला लीजिएगा, चेचिस में ये चीज़ होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस स्पीकर का प्राइस कितना आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मेरे भागलपुर के प्राइस के बारे में बात करें तो 12,000 से लेकर के 13,000 के बीच में ये प्राइस, अभी का प्राइस हम आपको बता रहे हैं 2024 के 8वें महीने का प्राइस। तो ये प्राइस है अभी का, आपके मार्केट में कुछ और हो सकता है, दिल्ली का प्राइस कुछ और हो सकता है, 11,000-12,000 में भी मिल जाए, 11,500 में मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, टैक्स वगैरह लगने के कारण ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है। बाकी अगर आप इस स्पीकर का यूज़ करते हैं तो आप डुअल 15 इंच के टॉप बना सकते हैं काफ़ी तगड़ा आउटपुट लेने के लिए, तो आपको एम्पलीफायर भी तगड़ा चाहिए। तो हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं, तो एक टॉप आपका हो जाएगा 1200 वाट, और HF कम से कम आपको अगर अच्छा क्वालिटी का अगर HF यूज़ करते हैं तो 150 वाट का HF डालिए, 100 वाट में काम नहीं चलने वाला है। 100 वाट के लिए आपको 2 HF का यूज़ करना होगा, जो कि उसके हिसाब से आपका हाइस भी आता है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे यूज़ करना है, या फिर अच्छे ब्रांड में आप 150 वाट का HF डाल के चला सकते हैं। उसके हिसाब से नेटवर्क प्लेट भी आपको लेना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी JBL मॉडल का आप टॉप में डालिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, RCF कैबिनेट में भी आप चला सकते हैं, JBL RCF दोनों में ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपका स्पीकर आउटपुट निकाल के देने वाला है। कंपटीशन सेटअप के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ रहेगा। और इस स्पीकर को चलाने के लिए आपके पास 5 या 6 हज़ार वोट का एम्पलीफायर चाहिए, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं डायनाटेक का भी 7,000 या फिर भी 6,000 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर CA20 भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा वोल्टेज कम देखने को मिलेगा लेकिन वो एम्पलीफायर आपका चला देगा। आपके पास NX Audio का MT1601 या फिर 1201 है तो वो भी एम्पलीफायर आपका ये स्पीकर को रन करा सकता है। स्टेंजर SPB5 के में देख सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि NX Audio के साथ जाइए या फिर डायनाटेक के एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आप ऑडियो टोन के एम्पलीफायर के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम आपके पास 6000 वाट तक का एम्पलीफायर होना चाहिए, तब आप इस स्पीकर को इसके फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट निकाल सकते हैं। हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आप एक एम्पलीफायर में 2 टॉप ही चलाइए, 4 टॉप चलाने का मत सोचिएगा, वरना फिर एम्पलीफायर पे बुरा असर पड़ सकता है। टॉप ब्रांड्स में आपका NX Audio और डायनाटेक या फिर आप CA एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, CA20 या फिर ऑडियो टोन प्रोफेशनल के एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑडियो टोन 15x1250 ES स्पीकर के बारे में। हम आशा करते हैं अब आप सब कुछ समझ गए होंगे इस स्पीकर को लेके। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे ऑडियो टोन का काफी ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर भी है AD9900। तो क्या सच में ऑडियो टोन का ये एम्पलीफायर सभी का बाप है? ये जानने के लिए एंड स्क्रीन जरूर चेक करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।